हेलो जी, कैसे हो आप सब? सबको मेरे नमस्ते। आज हम बेसन की मिठाई बनाएंगे। एक कटोरी में चीनी लूँगी, उसको बड़े बर्तन में डाल दूँगी और इसमें दो इलायची डालूँगी, थोड़ा सा हाफ कटोरी पानी डाल के इसको थोड़ा सा हम पिघला लेंगे, गैस पे रख देंगे। हम इसको चाशनी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देंगे अच्छे से। ज़्यादा इसकी चिपचिपी चाशनी नहीं बनानी है हमने। ये देखिए, बस ऐसे ही एक बॉयल आ जाए तो ये तैयार है हमारी चाशनी, जिसको हम बेसन में यूज़ करेंगे, बेसन की मिठाई में। ऐसी वाली, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, एकदम ऐसी वाली। एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करने रखेंगे। एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, मैं थोड़ी मिठाई के हिसाब से बेसन लिया है। एक कटोरी मैंने बड़ी बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से भून लेंगे हम, इसको हल्का सा खुशबू आने तक अच्छे से पकाएंगे इसको। तब तक इसकी खुशबू आती रहेगी, तब तक हम इसको भून लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं हमें लाल करना है, बस इसकी खुशबू आने तक ही हमें इसे पकाना है। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुशबू आने तक ही इसे पकाएंगे। हमें लाल भी नहीं करना है इसको, अच्छे से हम इसको कड़छी के साथ हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नारियल का बुरादा ऐड करूँगी, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन के साथ, ताकि अच्छे से हमारा बुरादा भी मिक्स हो जाए। मिल्क पाउडर डालूँगी, 2 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर के ऐड किए हैं। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो आप मत डालिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा मिल्क पाउडर भी अच्छे से बेसन के साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट जो मैंने बारीक पीस लिए थे वो डालेंगे। आप मोटा मोटा डालना चाहे तो आप मोटा मोटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चाशनी का पानी डालेंगे, चीनी का पानी जो मैंने बना के रखा था पहले, उसको बेसन में ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम सारा चीनी का पानी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको हम पकाएंगे। फिर एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। प्लेट को पहले ग्रीस करके हम घी या फाइन रोल से रख लेंगे तैयार करके। ये देखिए, गाढ़ा हो गया है। अभी एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी ये, इसके लिए इसमें हम सारा बेसन इसमें हम डाल देंगे। इसको हम अलग से साइड में रख देंगे, कढ़ाई को भी निकाल के। इसमें मैंने निकाल लिया। आप चाहे तो इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको सूजी ऐड करनी है तो आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छे से थोड़ा सेट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, चम्मच की मदद से अच्छे से इसको सेट कर देंगे, पूरी प्लेट में फैला देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा करने रख देंगे। ये देखिए, ठंडा हो गया। अभी इसमें हम कट लगाएंगे। तैयार है हमारी बेसन की मिठाई। ये देखिए, इसको मैंने कट लगा लिया। अभी एक पीस निकाल के देखेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया वाली हमारी बेसन की मिठाई तैयार हुई थी। ये देखिए, आप भी बनाइए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो कीजिए।